बड़ी खबर का रुख करेंगे। जलदाय विभाग से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है, गिरफ्तार ठेकेदार की फर्म पर बड़ा एक्शन किया है, गणपति ट्यूबवेल कंपनी के कार्यादेश को निरस्त किया है। दरअसल फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर हासिल किए गए थे कार्यादेश, उसे निरस्त करने का फैसला है। श्याम ट्यूबवेल पर भी बड़ा एक्शन, अभियंता विशाल सक्सेना पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। जलदाय विभाग की जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद फैसला होगा। बड़ी कार्रवाई हुई है और देखिए जिस तरह का जो ग्लिच उसमें समझ में आया था, जलदाय विभाग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बताते हैं। जिस ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया था उसकी फर्म पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। गणपति ट्यूबवेल नाम की कंपनी, गणपति ट्यूबवेल कंपनी के कार्यादेश को निरस्त किया गया है। दरअसल जो कार्यादेश थे वो फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर हासिल किए गए थे और उसी कार्यादेश को निरस्त किया गया है जिसका फैसला किया गया। श्याम ट्यूबवेल पर भी बड़ा एक्शन हुआ है, अभियंता विशाल सक्सेना पर अनुशासनात्मक कार्रवाई तो होगी लेकिन जो फर्म है, जो कंपनी है, उस पर भी बड़ा एक्शन किया गया है। जलदाय विभाग की जांच कमेटी रिपोर्ट आने के बाद में फैसला देगी। पूरी जानकारी हमें देंगे ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, बड़ी कार्रवाई हुई है, गिरफ्तार ठेकेदार की फर्म पर तो बड़ा एक्शन हुआ ही है लेकिन साथ ही साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी अभियंता पर, क्या जानकारी पूरी है? बिल्कुल, देखिए जल जीवन मिशन को लेकर ये खबर है जिसमें जो ठेकेदार फर्म है उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर जल जीवन मिशन के ठेके हासिल किए थे और जब ये जांच में पाया गया कि जो सर्टिफिकेट दिए गए हैं वो सर्टिफिकेट फर्जी है तो उसके बाद जो पहले उनका काम रोका गया था उसके बाद एक जांच कमेटी गठित की थी। उस जांच कमेटी ने पूरी फिर से जांच की और जांच में पाया कि वास्तव में जो फर्म ने ठेके हासिल किए हैं वो गलत तरीके से थे। तो तमाम जो वर्क ऑर्डर है जो इन सर्टिफिकेट के आधार पर हासिल किए थे उनको निरस्त कर दिया गया है। गणपति ट्यूबवेल का और श्याम ट्यूबवेल, ये दो फर्म है, इनके ठेके यानी इनका वर्क ऑर्डर है वो निरस्त कर दिए गए हैं। साथ में जिस एक्सएन ने जो इसमें गलत तरीके से रिपोर्ट पेश की थी, गलत तरीके से जांच की थी, उस पर भी जो एक्शन करने का, उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। आपको ध्यान होगा कि किसी ठेकेदार फर्म के जो मालिक है, जो कि अभी एसीबी ने उनको ट्रेप किया था, पदमचंद जैन है जो कि इन फर्म के जो मालिक है उनको एसीबी ने ट्रेप किया था, उनके साले हैं वो भी, उनकी भी इन्हीं में फर्म है, वो अभी पकड़ में नहीं आ रहे एसीबी के। साथ में पदमचंद जैन के जो बेटे हैं। बिल्कुल नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए और साथ जुड़ने के लिए। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो, यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती है सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।